हेलो एवरीवन, आशा का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश जिसका नाम है लवंग लता। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम मैदा लिया है, 200 ग्राम मावा लिया है, 100 ग्राम पनीर लिया है, ये मैंने रिफाइंड ऑयल, ये लौंग, ये फूड कलर और ये चीनी लिया है 300 ग्राम। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे, इधर कढ़ाई को और इधर चाशनी के लिए हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और ये चीनी डाल देंगे। अब कढ़ाई में हमें ये पनीर डालना है। इसके बाद हम ये 2 बड़ा चम्मच चीनी डाल दें, ये मावा डालेंगे, इसे अच्छे से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इसे भून देंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये बिल्कुल दानेदार ना हो जाए। जब तक वो भून रहा है तब तक हम थोड़ा सा चाशनी में ये पीला फूड कलर डाल देंगे और चाशनी को भी गाढ़ा कर लेंगे। ये मावा और छेना मैंने भून लिया, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। हम गैस बंद कर देंगे और इधर चाशनी बनने देंगे और इस फिलिंग को हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये फिलिंग ठंडा हो रहा है इसका डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम मैदा में 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, चुटकी भर हम नमक डालेंगे, इसे मिलाकर फिर हम एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे पानी में। ये मैंने डो तैयार कर लिया है। अब हम पहले गैस जलाएंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है अब हम इसको स्टॉप कर लेंगे। इसके लिए हम ये छोटी छोटी लोई लेंगे। और अब हम इसे बेलेंगे। ये ज्यादा ना मुझे मोटा बेलना है ना पतला, बीस साइज का रखना है। हम इसमें ये फिलिंग करेंगे। अब हम इसे दोनों साइड से इस तरह से दबा के मोड़ लेना है। इस तरह से हम इसी से बीच से दबा लेंगे। इसको हाथ से पतला करेंगे। दोनों साइड से उसे इस तरह से ज्वाइंट करके इसके बीच में एक ये लौंग इसे दबा दें। इसी तरह से दूसरे की भी फीलिंग करेंगे।
आप इसे एक जगह जमा करना है इसे इसे अंदर की साइड दबाना है, इसे इस तरह से दबाना है, इसे पतला करना है आगे से, दोनों साइड को बढ़ाते हुए हमें इसे इसी तरह से सारे लवंग लता की फिलिंग कर लेंगे। ये मैंने सारे लवंग लता की फिलिंग कर ली है। अब हम तेल हल्का बिल्कुल गर्म है, अब हम इसमें इसे डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। और ये फ्राई होने लगा है, फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब हम इसे पलट देंगे और ये फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। ये चाशनी जो तैयार है हम इसे इसमें 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इधर हम बाकी लवंग लता को भी फ्राई कर लेंगे। जो मैंने सारे लवंग लते को फ्राई करके चाशनी में डाल दिया था, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।